हेलो दोस्तों को, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है आज वैगनार। अब दोस्तों ये वैगनार जो है ये 16 वाल वाला इंजन है, इसमें के सीरीज भी आती है। ये टाइप 2 वाली वैगनार है, टाइप 1 वाले में ये हेडलाइट में इंडिकेटर नहीं आते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है मिसिंग की। मिसिंग में गाड़ी धड़धड़ 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 पिकअप नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी एकदम एकदम ही पिकअप लो हो गया, एवरेज खत्म हो गया। तो इसका अभी हम चेक करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी स्टार्ट करें। और दोस्तों कैसा है, जब गाड़ी मिसिंग करना चालू होती है तो काफ़ी सारे कारण रहते हैं मिसिंग करने के। देखिए बेल्ट भी टिक 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 टिक, इसका ये देखिए किस प्रकार। ये एलपीजी किट वाली गाड़ी है, तो फिलहाल हमने इसको एलपीजी जो है बंद है, पेट्रोल पर ही है, ओनली पेट्रोल। तो मिसिंग चेक करने के लिए सबसे पहला कारण क्या रहता है दोस्तों, जैसा अगर आपको मिसिंग चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, प्लग वायर। पिंकी सुना वर्णन, सबसे पहले आपको ये चेक करना है। अब ये 4 सिलेंडर गाड़ी है, इसमें 3 सिलेंडर भी आती है, ऑल्टो ऑल्टो 4 सिलेंडर भी देखी है हमने। तो ये 3 सिलेंडर वाली जो गाड़ी है, इसमें आपको 4 सिलेंडर की गाड़ी में चेक करना पड़ेगा कि किस कौन सा सिलेंडर बंद है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इंजेक्टर का जो कपलर है, देखिए ये इंजेक्टर का कपलर हम निकालेंगे पहले नंबर वाले। ये देखिए फर्क पड़ा, देखिए पहले नंबर का हमने कपलर निकाला, देखिए गाड़ी। और अब देखो लगाने के बाद किस प्रकार फर्क पड़ता है, देखिए ये हमने लगा दी। अब ये पहले नंबर का हमने चेक किया, मतलब ये सिलेंडर सही है, क्योंकि गाड़ी में काफी फर्क आया। और अब हम चेक करेंगे सेकंड नंबर का, फॉल्ट कहाँ है ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये देखो इसमें भी फर्क हो रहा है, मतलब इंजन वाइब्रेशन बढ़ रहा है, मतलब ये भी सिलेंडर सही है। अब ये देखिए ये हो गया सेकंड नंबर का। ये देखिए वापस लगाने के बाद इंजन वापस से मिसिंग करना चालू। और ये थर्ड नंबर का कपलर, अब ये देखिए थर्ड नंबर का पिस्टन है। अब थर्ड नंबर का पिस्टन जो है, हमने थर्ड नंबर का पिस्टन का निकाला, कोई फर्क नहीं इंजन में। ये देखिए वापस लगाने के बाद भी कोई फर्क। तो इसका मतलब इसका 3 नंबर का सिलेंडर बंद चल रहा है। अब 3 नंबर का सिलेंडर हमको चेक करने के लिए पहले क्या चेक करना पड़ेगा, करंट। सबसे पहला करंट चेक करने के लिए हमको इसका ऑयल खोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये 3 नंबर का और 2 नंबर का कॉइल है, इसमें दो दो के कनेक्शन रहते हैं। और नए वाले के सीरीज या इंजन में या स्विफ्ट में सिंगल सिंगल कॉइल आता, इसमें कंबाइंड कॉइल है, दो दो सिलेंडर वाला। हम इसको निकाल के चेक करेंगे। और कस्टमर बता रहे थे दोस्तों कि इसमें प्लग कोई मैकेनिक ने नए डाले हैं, तो प्लग का इशू तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी चेक किया प्लग नए हैं। देखिए दोस्तों ये प्लग हुआ। अब आप सुन सकते हैं कि इसमें टक 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 आवाज़ चालू होगी, इसका मतलब ये कॉइल भी सही है। अब ये अब दोस्तों कॉइल की वजह से मिसिंग नहीं है, प्लग की वजह से मिसिंग नहीं है, तो मिसिंग किस कारण से, ये कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक बार चेक करेंगे ये जो 4 नंबर का नोजल का जो कपलर है, उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा चेक करने के लिए, एक तो मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर से भी बेस्ट तरीका है चेक करने का, इस प्रकार का एक इंडिकेटर का बल्ब। ये 3 वोल्ट पे भी जलता है, इसमें वैसे देखा जाए तो 2.5 वोल्ट या 3 वोल्ट तक का करंट आना चाहिए। तो हम इस प्रकार इसमें पल्स भी चेक करेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पल्स आ रहे हैं, मतलब एसीएम से या इसकी वायरिंग कहीं कट नहीं है। तो इस चीज़ का रिजल्ट ये निकला दोस्तों कि इसका सिलेंडर हेड, मतलब चाहे वॉल पकड़ो या पिस्टन रिंग, इसका 3 नंबर का सिलेंडर डेड है। तो अब हम इसका हेड खोलेंगे, और 100% मुझे लगता है कि हेड रिपेयर करने के बाद, हेड खोलने के बाद इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो दोस्तों हमने इसका हेड खोल लिया है। अब हेड खोलने के बाद में जो हमारा 3 नंबर का पिस्टन जो मिसिंग कर रहा था, ये देखिए आप पिस्टन की हालत देखिए, मतलब इसमें स्पोर्ट ब्लास्ट नहीं हो रहा था ये 3 नंबर का पिस्टन। अब हम आपको इसका जो प्रॉब्लम हो रहा था 3 नंबर का पिस्टन प्लग भी डालने के बाद या इग्निशन कॉइल भी डालने के बाद सॉल्व क्यों नहीं हो रहा था, ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये 3 नंबर पिस्टन का जो इनलेट का वॉल है, ये वॉल ही टूटा हुआ है, ये क्रैक हो चुका है, यहाँ का टुकड़ा गायब हो चुका है। इस वजह से ये गाड़ी मिसिंग कर रही थी दोस्तों वैगनार। और ये देखिए आप ये तीनों प्लग की कंडीशन देखिए, मतलब ये 3 सिलेंडर एकदम ओके है। ये एक जो 3 नंबर का सिलेंडर है, ये देखिए आप टाइमिंग साइड से 1 2 3 3 नंबर का जो सिलेंडर है, ये इसके वजह से गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। एवरेज भी दे रही थी वाइट स्मोक और उसके बाद में स्टार्टिंग ट्रबल और धड़धड़ कर रही थी गाड़ी। तो ऐसा है दोस्तों वैगन आर में मिसिंग का प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन। अभी हम आपको दोस्तों ये आपने किस प्रकार देखा, हमने जो इसकी मिसिंग का प्रॉब्लम जो है वो क्लियर किया है। और क्लियर करने के बाद आपको अगर वीडियो में मजा आए, और दोस्तों वीडियो काफ़ी लेट हो गया था कुछ कारणों के कारण, तो अभी इशू ऐसा है कि अब हमारे कंटिन्यू वीडियो आएंगे, तो हमारे को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।